नमस्ते दोस्तों, स्टॉक मार्केट एसबी में आपका स्वागत। दोस्तों कल है 25 अप्रैल 2024, यानी कि कल है गुरुवार। कल है निफ्टी की वीकली एक्सपायरी। क्या कल निफ्टी में एक गैप अप ओपनिंग होगी या कल निफ्टी में गैप डाउन ओपनिंग होगी, ये हम इस वीडियो में सिंपल तरीके से समझने वाले। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर और करने से। दोस्तों आज यानी के 24 अप्रैल 2024 को मार्केट एक सीमित दायरे में हमें देखने को मिला। मार्केट में एक गैप अप ओपनिंग मिली, लेकिन आज दिन भर मार्केट ने एक सीमित दायरे में ही काम किया। निफ्टी में हमें ना कोई ज्यादा गिरावट मिली ना ज्यादा बढ़त मिली, एक रेंज बाउंड में ही आज निफ्टी कारोबार करते दिखा। इस पे क्या हुआ कि जो ऑप्शंस के प्रीमियम होते उसमें ज्यादा कुछ बढ़त नहीं हुई और वो टाइम डिके की वजह से डाउन होते चले। अब ऐसे मार्केट में जो ऑप्शन ट्रेडर होते उनको ज्यादा कुछ बेनिफिट नहीं मिलता है, लेकिन जो ऑप्शन सेलिंग करते उनको अच्छा खासा बेनिफिट यहाँ पर टाइम डिके का मिलता है। अभी हमें देखना है कि कल यानी कि 25 अप्रैल 2024 को मार्केट कैसे रेंज बाउंड। आज निफ्टी 22,413 पर आज की क्लोजिंग हो चुकी है और बैंक निफ्टी 48,150 के ऊपर आज की बैंक निफ्टी की आज हमें क्लोजिंग देखती है, जहां निफ्टी के लिए 22,400 ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है और 22,450 ये भी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। उसी तरीके से निफ्टी के लिए निचले स्तर से 22,400 और 22,350 ये दोनों ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, क्योंकि आज निफ्टी ने 22,400 के ऊपर की क्लोजिंग दी है। अगर आज बैंक निफ्टी 22,400 के नीचे क्लोज होता है तो कल हमें एक गैप डाउन की संभावना थी, लेकिन मार्केट में अभी भी पॉजिटिव ट्रेंड है। जो लास्ट 3 दिन से मार्केट चल रहा है वही ट्रेंड हमें कल वीकली एक्सपायरी पर देखने को मिलेगा, लेकिन जो ऑप्शन ट्रेडर होते हैं उनके लिए कल के लिए निफ्टी में ज्यादा कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि मार्केट अभी एक ऊपर की तौर जा रहा है। मार्केट में अभी फिलहाल तो कोई गिरावट नहीं है, लेकिन अगर आप कॉल भी बाय करते हैं तो भी आपको अच्छा प्रॉफिट नहीं मिल सकता और पुट बाय करते हैं तो भी आपको प्रॉफिट नहीं मिल सकता, क्योंकि कल भी मार्केट इसी तरीके से एक सीमित दायरे में रहने की ज्यादातर संभावना है। ना हमें बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी ना हमें कुछ बड़े उलट फेर देखने को मिलेंगे। निफ्टी एक बार अगर गैप अप ओपन होता है लगभग 40 से 50 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग अगर निफ्टी में मिलती है तो ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 पॉइंट नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, यही रेंज में कल निफ्टी हमें देखने को मिल सकता है। अभी हम देखते हैं आगे कि निफ्टी की बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए जो टोटल कॉल राइटर और टोटल पुट राइटर कितने हैं निफ्टी के और बैंक निफ्टी के, ये भी हम समझते हैं। और अंत में अभी लाइव ग्लोबल मार्केट के अपडेट भी हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं, जिस तरीके से हमें एक इंडिकेट मिलता है कि मार्केट की इंडियन मार्केट कैसे रहने वाला है। दोस्तों आज के दिन जो टॉप गेनर था उसमें से सेल आज लगभग 8 से 8.5% की गेन हमें सेल में देखने को मिली। उसी तरीके से अगर हम टॉप लूजर अगर देखे तो वोडाफोन आइडिया में लगभग 9 से 9.5% की गिरावट आज हमें देखने को मिली है। एडवाइस डिक्लाइन रेशियो में देखे तो 1370 शेयर्स में हमें बाइंग देखने को मिली और 870 शेयर में हमें बिकवाली देखने को मिली। इसी का मतलब ये जो एडवांस डिक्लाइन का रेशियो भी हमें एक पॉजिटिव संकेत ही दे रहा है आगे आने वाले 2 या 3 दिन में। कल के लिए तो एक पॉजिटिव ही सेंटीमेंट है, मार्केट में एक तेजी भरी ही रह सकती है ना हमें, लेकिन ज्यादा कुछ हाथ में आने वाला नहीं है। अगर कुछ नेगेटिव न्यूज आती है कुछ एक्स्ट्रा कुछ इवेंट्स होते हैं तो उसमें से कुछ गलत न्यूज आती है तो मार्केट हमें फिसलता हुआ दिख सकता है, अदरवाइज मार्केट में हमें यही ट्रेंड आगे कल के लिए देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों अभी हम चलते हैं ग्लोबल मार्केट की ओर। वहां पर हम देखते हैं कि ग्लोबल मार्केट देखे तो सभी तरफ हमें एक ग्रीन सिग्नल ही देखने को मिल रहा है, लेकिन तेजी जो है वो फ्लैट ही है, ना हमें बड़ी गिरावट है ना बड़ी तेजी दिख रही है।
नजदाक अगर हमें देखे तो यहाँ पर देखिए नजदाक, नजदाक में 17,688 और लगभग सिर्फ 30 पॉइंट की पड़त है। डैक्स 18,186 48 पॉइंट की बढ़त है, यानी कि फ्लैट ही माना जाएगा। निक्के 38,276 318 पॉइंट की बढ़त, ये लगभग 0.84% की बढ़त है। एफ टी ए सी 8,079 26 पॉइंट की बढ़त, ये 0.32% की बढ़त, यानी कि ये फ्लैट ही है, फ्लैट ही चल रहा है। डाउ जोन अभी चल रहा है 38,481 लगभग 36 पॉइंट की गिरावट। डाउ जोन में हमें ऊपरी स्तर से थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है, लेकिन अगर डाउ जोन आप आगे चल के मिडनाइट तक यहां से पॉजिटिव मूड लेता है तो कल हमें निफ्टी में एक पॉजिटिव ओपनिंग देखने को मिल सकती है। गिफ्ट निफ्टी 22,423 पॉइंट की आज की करंट चल रहा है, और निफ्टी भी, इंडियन निफ्टी भी, निफ्टी 50 भी 22,420 पर 48 पॉइंट की बढ़त के साथ आज क्लोजिंग देखने को मिली है। तो दोस्तों ये थी मार्केट अपडेट, यानी कि कल मार्केट कैसे रहेगा, निफ्टी बैंक निफ्टी की ओपनिंग कैसी होगी, कल निफ्टी के लिए एक्सपायरी सेशन कैसा रहेगा, इन सभी पर हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। यदि आपको कुछ सुझाव देना हो तो मुझे कॉमेंट्स बॉक्स में मैसेज कीजिए, और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। गुड बाय।